अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपनी बड़ी भाभी पर इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए। पापी ने ये घटिया हरकत करते हुए शर्म नहीं है तो मुझे सच बोलते हुए क्यों शर्म आएगी? अरे यार जो कुछ भी है उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, शाजमा भाभी है। मैंने कपड़ों के करीब कोई दिया नहीं जलाया था, इनफैक्ट शाजमा भाभी ने मुझे बहाने से उस कमरे से बाहर भेज दिया था और फिर खुद कपड़ों के करीब दिया रखती है ताकि वो आग पकड़ ले। तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? शाजमा अपनी बहन के सुहाग का जोड़ा क्यों जलाएगी? मुझे नहीं पता अम्मी कि उन्होंने ये क्यों किया, लेकिन ये उन्होंने ही किया और मेरे पास इस बात का सबूत है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि इसने अपनी बहन की खुशियां बर्बाद की? तो बोलो ना, खामोश क्यों खड़ी हो? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपनी बड़ी भाभी पर इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए। पापी ने ये घटिया हरकत करते हुए शर्म नहीं है तो मुझे सच बोलते हुए क्यों शर्म आएगी? अरे यार ये क्या कर रहे हो तुम? शर्म नहीं आ रही तुम्हें छोटी बहन पे हाथ उठाते हुए? आप बीच में ना ही बोले तो अच्छा है। मैं भी भाई हूँ इसका, तुम में रिश्तों का लिहाज शर्म खत्म हो गया होगा लेकिन मुझमें बाकी है। अरे आप निशान, खुदा के लिए आप मेरी वजह से अपने बहन भाइयों से मत उलझे। बहन भाई को लड़वाने वाले भी आप हैं और सबके सामने ये ड्रामा करती हैं। समझा ले अम्मी से। अरे तमीज से बात करो। अम्मी इनसे तमीज से बात करूं? इनसे जिन्होंने सबके सामने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे बेइज्जत कर दिया। सॉरी अम्मी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। आजकल के दौर में सिर्फ बड़े होने से इज्जत नहीं मिलती बल्कि इंसान के अमल भी ऐसे होने चाहिए, लेकिन इनके अमल तो बिल्कुल ऐसे नहीं। Enough! बहुत हो गया। अब शाजमा के बारे में मैं मजीद कोई बकवास नहीं सुनूंगा, समझी? मैं बकवास नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। मेरे पास सबूत भी है जिसपे इन्होंने एतराफ़ किया इस बात का कि नातियाबाजी का ड्रेस इन्होंने जलाया, फिर झूठा इल्जाम मुझ पे लगा दिया है।